बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो सब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है, तमन्ना को स्कूल भेजने की तैयारी चल रही है, उसका पेपर है, एक घंटे में उसका एग्ज़ाम हो जाता है, फिर जल्दी से आ भी जाती है वो। तो बस आई थी थोड़ा बैलकनी से खड़े होकर ये कबूतरों का नज़ारा देख रही थी। आप सबको पता है ना कि मुझे कबूतर पिजन बहुत पसंद है, तो ये चटाई मैंने कल रात को धोकर ये मशीन में ही खड़ा कर दिया था ताकि इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए तो मैं बैलकनी में डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ ना कपड़े फैलाने के लिए या सुखाने के लिए मेरे पास बड़े जगह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर। तो मैंने वही शॉर्टकट फॉर्म करना पड़ता है कि आप मशीन में धोकर खड़ा कर दो, फिर यहाँ डाल दो सुखाने के लिए, तो फोल्ड करके डालना पड़ता है, पूरा फैला के नहीं डाल पाती। ये देखिए यहाँ भी एक कबूतर बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये नीचे का नज़ारा हमारे बिल्डिंग के, और वो ना हमारे मस्जिद के साइड का गली है जहाँ पे बड़ी मस्जिद है यहाँ की। तो चलिए चाय, मैं ना अभी दूध उबाल रही हूँ, तमन्ना को खाना था लच्छा। लच्छा समय होता है ना जो मतलब इंस्टेंट बन जाता है, इसको पकाना नहीं पड़ता है, गर्म दूध के साथ आप इसको खा सकते हो। तो वही आज तमन्ना का मन कर रहा था कि मम्मी आज मुझे लच्छा खाना है, तो मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूँगी और फिर ऊपर से ना गर्म दूध इस पर ऐड कर देंगे ना, तो बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है, मैंने स्टील फोटो डाला है। तो इसमें ना अभी मैं खौलता हुआ गर्म दूध डाल दूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही दूध डालना है, क्यों ना, क्योंकि ना ये ना जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और इतना मज़ेदार और टेस्टी सा एक नाश्ता बन जाता है ना ब्रेकफास्ट, तो बता नहीं सकती मैं। और जिन्होंने खाया होगा ना उनको पता होगा कि इसका टेस्ट का फ्लेवर, मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार होता है। एग्जाम कैसा गया मेरा बच्चे का? बहुत अच्छा, जो जो पढ़ गई थी सब आया, और जो एक से दो अंदर छूटा और बाकी सब करते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो हमारे साथ ही नाश्ता कर लो, हमारे नाश्ता करने में आज लेट हो गया, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तब ना आ जाएगी फिर नाश्ता करेंगे। चलो नाश्ता करते, क्या बनाया मैंने आज? लच्छा। पसंद है? बहुत ज्यादा। चलो पकड़ो हाथ में, उठो उसको, मेरा जाओ। रख चुकी थी, अभी दाल को फ्राई करने तड़का लगाने लगी हूँ। मैंने राई, जीरा, ऑनियन और मिर्ची को फ्राई कर लिया है, अब टमाटर ऐड कर दूंगी इसमें। एक टमाटर डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत टेस्टी हो जाता है फिर इसका। तो फटाफट से मैं ऑनियन के साथ टमाटर को भी अच्छे से गला लूँगी, ये गल जाए ना तो फिर इसमें कड़ी पत्ता और बाकी सब ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा मसालेदार जो दाल बनता है ना तड़का वाला, तो वो बन जाएगा फिर। पहले ही मैंने इसी टोप में ना मैंने दाल को हल्दी के साथ उबाल कर रख लिया है, और मैं इसी से दाल को धुला हुआ बर्तन में मैंने निकाल लिया है और इसको पानी से धोकर फिर इसी में मैं तड़का लगा रही हूँ। ज़्यादा बर्तन गंदे करेंगे ना तो धोने अपने को ही पड़ता है ना, खुद को ही धोना पड़ता है। जितना बर्तन हम गंदा करेंगे उतना ही हमें परेशानी हो जाती है, तो औरतों के लिए ना जितना कम बर्तन झूठा हो खराब हो उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने ना अभी कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है, तो कड़ी पत्ता का फ्लेवर ना इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और आप ना इस तरीके से एक बार दाल फ्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनता है, ठीक है। तो मैं ना ये तरीका ना मैंने भी किसी से सीखा था तो इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। तो अभी ना ये अच्छे तरीके से टमाटर भी गल चुकी है, तो मैंने ना इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है ताकि ना थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए कलर भी और टेस्ट भी, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा लगेगा ना तभी खाने में मज़ा लगता है, क्योंकि इसको मसाला दाल बोला जाता है, फ्राई दाल फ्राई, मसाला दाल फ्राई है। तो आप भी ना इसी तरीके से एक बार कीजिएगा। तो मैं अभी फटाफट से इसको और दो मिनट चला लूँगी, चलाने के बाद अब मैं इसमें उबला हुआ दाल डालूँगी। ये देखिए मैंने इसको पूरा रेडी रखा था, पूरा उबाल के और अच्छे से हल्दी और कोथमीर सब ऐड करके रखा था। तो अभी मैं इसमें फटाफट से वाओ, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छा सा एक ना अरोमा आ रहा था, स्मेल और कलर देखिए गाइस, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा कलर आया है। और ये दाल ना देखने में जितना ब्यूटीफुल है ना खाने में भी उतना ही टेस्टी है, उतना ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा बना था ये दाल। मुझे ये दाल फ्राई और मेरे फैमिली में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी बनाकर देखिएगा इसी तरीके से, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो ये बचा हुआ मटन का भी सालन रखा हुआ था, तो इसको भी मैं ना अच्छे से गर्म करके फिर साइड में रख लूँगी फटाफट से। तो गाइस ये मेरे पास कुछ पुराने नॉनस्टिक के बर्तन पड़े थे जो ख़राब हो चुके थे ना, तो मैं उसको बदल कर ये न्यू वाला लेने वाली हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं क्या भाव बताते हैं भाई साहब, क्या है नहीं है,
फिर मैं आप सबको बताती हूँ। चलिए आ चुकी हूँ और ये मैंने पूरे बाल से नहा लिया, उसके बाद मैंने आज ये वाला आउटफिट पहना और अभी मैं ये देख रही हूँ देख दे थोड़ी देर। सो मम्मा क्या आजो बाहर आ जाओ गाइस कमेंट डाउन मम्मी कैसी लगी। तो लंच बनाते बनाते वो हांडी भांडी वाला आ गया था तो उससे बर्तन वर्तन लेते लेते बहुत टाइम हो गया। फिर नहा धोकर मैंने फटाफट से लंच वंच किया तो उसके टाइम पे भी ना मैंने कोई वीडियो ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी ये शाम का टाइमिंग है जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे और बातें कर रहे थे उसी टाइम का ये थोड़ा सा क्लिप है। तो तमन्ना को मैंने ना चॉकलेट बटर ब्रेड टोस्ट दिया था और अमन क्रीम पाव लिया है खा रहा है और मैंने अपने चाय के साथ वन पाव ले रही हूँ। तो पीछे से इतना नॉइज आ रहा है, मैं आवाज़ दे रही हूँ ना तो आप लोगों को पीछे से नॉइज़ आ रहा है, का काम चल रहा है तो हम तो मना कर ही नहीं सकते। तो अभी ये शाम का नाश्ता हमारा हो रहा है, इसके बाद तमन्ना ट्यूशन जाएगी। बर्तन देके उसके बदले मैंने क्या क्या खरीदा है मैं आप सबको दिखाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोई भी लेडी को ना आप नए बर्तन खरीद के दे दो, शॉपिंग करवा दो, उनको बहुत खुशी हो जाती है। मतलब तो हमारी जिंदगी और जान वही होता है कि हमें कपड़ों की शॉपिंग करवा दो, नए ज्वेलरी की दिला दो, अच्छे अच्छे बर्तन खरीद दो तो खुश हो जाती है। तो मैंने पुराने बर्तन देखा ना मुझे ऐसा लगा मेरा घर हल्का हो गया और नए बर्तन देखकर ना मुझे और किचन में बहुत कुछ बनाने का मन कर रहा है। नए बर्तन को देखकर नया क्या क्या खरीदा है मेरे घर से, कौन कौन से नए बर्तन आए हैं चलिए देखते हैं। आज देखिए मैंने क्या क्या खरीदा है। सबसे पहले जो मैंने लिया है ना ये हांडी लिया है, ठीक है, ये स्टील ग्लास का लीड है और ये बहुत हैवी मेटल है और ये इंडक्शन चूल्हा जो है ना उसको सपोर्ट करता है। टेफ्लॉन का मटेरियल है, ये हैवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और बहुत थिक है, ये वजन है इसमें। और ये ना मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी क्योंकि ज्यादा जो बकरे का मटन है, मटन बिरयानी बना लो या मटन का कोरमा बना लो, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। 1.5 किलो तक मतलब आप सारे जैसे पका सकते हो, वो डीप है बहुत अच्छा, आई थिंक 1.5 लीटर बोला था उन्होंने उसका है, तो बहुत पसंद आया मुझे ये जो लिया ना मैंने, ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और मुझे बहुत दिनों से इसकी तलाश थी तो ऐसे ये मुझे मिल चुका है तो आई एम हैप्पी। चलिए दूसरा हमारा दूसरा प्रोडक्ट ये कढ़ाई बोलो आप उसको और सॉसपैन बोलो जो भी बोलो, तो ये भी सालन बनाने के लिए कुछ भी मतलब आप उसमें कर सकते हो, हर चीज आप उसमें बना सकते हो। ये भी डीप है और ये भी टेफ्लॉन है और थिक है, हैवी है, हैवी भी है और इसके जो अंदर से फिनिशिंग है ये भी मार्बल फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छा है क्वालिटी और इसकी भी मुझे ना बहुत ज्यादा जरूरत थी। नाम दिखा दो बेटा इसका मेरा, हाँ तो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी है और इसके साथ मुझे ये स्टील का ये ढक्कन मिला, ये देखिए तो कितनी प्यारी से लग रही है ना। पुराने बर्तन देने के बाद ये नया बर्तन जब मिलता है ना गिफ्ट में तो कोई भी औरत कोई भी लेडी खुश हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये सब दिखाने के बाद आपको एंड में मैं एक टिप देना चाहूंगी जो मुझे उस बर्तन वाले ने बताया, आप रुके रहना वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलिए थर्ड वाला हमारा ये ग्रिल पैन, तो इसमें आप सैंडविच ग्रिल कर सकते हो, चिकन ग्रिल कर सकते हो, जो भी आपको चाहे वो ग्रिल कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। और ये भी टेफ्लॉन है ना अमन? यस मम्मी। हाँ तो ये भी टेफ्लॉन है और इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है, मैंने इसका प्लास्टिक नहीं हटाया क्योंकि अभी मुझे इसको यूज नहीं करना है। और इसका जो ये डंडी है ना ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेचेबल है, ये बटन दबाएंगे ना तो ये निकल जाएगा और फिर आप ये देखो मैं दिखा देती हूँ इसको आप ना ये इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से अमन तू लगाएगा बेटा, मैं लगा दूंगा, बटन दबाओ हाँ ये अमन से ही होता है, ये देखिए लग गया। तो ये भी मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद था और मुझे बहुत टाइम से मुझे ये लेना था और साथ में ये जाली दिया है और स्पैटुला दिया गया है इसमें, तो ये भी बहुत मेरा फेवरेट है, मुझे पसंद था, लेना था और मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब चौथे वाले जो पीस है मैंने लिया था वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है कढ़ाई और ये ना मीडियम है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं मुझे चाहिए था, मीडियम साइज चाहिए था मुझे जो मुझे मिल चुका है। ये भी सेम वही उनकी तरह ही है लेकिन हाँ ये टेफ्लॉन नहीं है, ये नॉर्मल नॉनस्टिक की तवा है, सॉरी कढ़ाई है और इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत थी जो मुझे मिल चुका है, तो इससे भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। क्योंकि नॉनस्टिक के बर्तन क्या होता है पता है आप, जब थोड़ा ख़राब हो जाए ना आपको उसके बाद यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उसकी वो जो यूज़ करते हो ना जो वो गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो उससे जो उसका जो कोटिंग का जो केमिकल निकलता है वो आपके खाने में मिक्स हो जाता है, तो वो आपके बच्चों के लिए
आपके फैमिली के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जैसे आपका नॉन स्टिक की पहले ही खराब मतलब थोड़ा सा भी खराब हो जाए ना, आप उसको इस्तेमाल करना बंद कर कीजिए और उसको वो कीजिए, बदल लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए और नए लाइए, क्योंकि अपना हेल्थ पहले होता है। हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो पहला हेल्थ, उसके बाद बाकी दुनिया। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बच्चों की हेल्थ और मेरा हेल्थ, मेरे परिवार का हेल्थ मेरे हाथों में है, और सभी औरतों का यही है कि उनके हाथों में उनके परिवार का हेल्थ रहता है। तो आप जरूर ऐसा कीजिएगा, पुराने चीजों को बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, नया लाकर खरीद लीजिएगा, क्योंकि नए से आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो चलिए पांचवा दिखाती हूँ आपको मैंने क्या खरीदा है। पांचवा है नॉन स्टिक तवा, जो मेरा फेवरेट है और हर हाउस वाइफ को पता है कि इसका यूज क्या है, ठीक है? आप डोसा बना सकते हो, चीला बना सकते हो, अपने फेवरेट सब चीज इसमें बना सकते हो, ऑमलेट बना सकते हो। तो नॉन स्टिक है, कम तेल में अच्छा खाना बनता है, हेल्दी खाना बनता है और बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। और ये जो है ना, आई थिंक अमन क्या बोला था इसका मटेरियल, ग्रेनाइट बताया था, राइट? हाँ, मुझे रहता है सब कुछ, अमन खड़ा था, सब कुछ उसने सुना है। तो ये सारे पांच मैंने जो है मैंने बर्तन खरीदा है, और साथ में ये जाली भी मिली है, इससे धो सकते हैं हम, ठीक है? और साथ में स्पैटुला चम्मच, जो मुझे थोड़ा ज्यादा ही मिला है। लकी हूँ मैं कि मुझे पांच बर्तन के साथ 5 का कॉम्बो था और साथ मुझे स्पैटुला मिला है। यहाँ ये हो गए 4, ये 5, 6 और एक कहाँ है, ये रहा इधर एक है, हाँ 7। तो मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले गए और साथ में एक सरप्राइज था, एक 5 की कॉम्बो के साथ मेगा ऑफर था, एक गिफ्ट था जो मैंने छुपा के रखा है और ये आ गया। क्यूटी क्यूटी कितना छोटा सा कढ़ाई है, बहुत प्यारा सा। और ये तो पता है आपको क्या बताऊं मैं कि कितना मतलब तमन्ना जब से इसको देखी है ना, इतनी ज्यादा खुश है, मम्मी ये मेरा है, मैं इससे खेलूंगी, मैं बोली बेटा खेलने के लिए नहीं है। तो ये पांचों बर्तन के साथ मुझे ये फ्री में मिला है और बहुत अच्छा ऑफर था। आपको जो टिप्स देने वाली थी उस पे बात करते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं टिप्स को लेकर, ठीक है? तो पहला टिप्स नंबर 1 आपका ये है कि जब भी आप ये नॉन स्टिक बर्तन को यूज करें, तो कोई बोलता है हीट करो, कोई बोलते है कुछ करो, कोई बोलते है कुछ करो, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सीधा सिंपल सी बात है, जो लिक्विड सोप आता है ना, आपको वो इसमें डालना है, हल्का सा पानी मिक्स करके इसको अच्छे से हाथ से हिलाओ, अच्छे से मिक्स करो, या आप चाहो तो अपनी हथौड़ियों से थोड़ा सा घिसकर इसको साफ कर लो, हथेली से घिसकर इसको धो लो। धोने के बाद इसको कॉटन कपड़े से अच्छे से सुखा लो, उसके बाद ये बिल्कुल आपके यूज के लायक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कुछ और करना ही नहीं है, इतना ही आप करेंगे ना तो ओके। तो टिप्स नंबर टू ये है कि ये जो नॉन स्टिक बर्तन हम यूज करते हैं, इसकी बहुत जल्दी इसका कोटिंग निकल जाता है, ठीक है? तो इसका कोटिंग जल्दी ना निकले और ये लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप खाना बनाते हो ना इस बर्तन में, बनाने के बाद कोई कोई क्या करते हैं कि फटाक से इसको वॉश बेसिन में डाल देते हैं और उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो बहुत ही गलत करते हो, तभी आपके बर्तन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे आपने इसमें खाना बनाया ना, तो इसमें खाना छोड़ना नहीं है आपको, आपको दूसरे बर्तन में इसको पलट लेना है इस खाना को, ठीक है? उसके बाद उसको इतना ठंडा होने देना है कि आप टच कर सको। तो आप उसके बाद इसमें टिश्यू पेपर या आपके पास कॉटन कपड़े हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आपको क्लीन कर लेना है, इसके अंदर जो ऑयल है, मसाला है, उसको अच्छे से सॉफ्ट हैंड से आपको उसको क्लीन करना है, घिसना बिल्कुल नहीं, रब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये नॉन स्टिक बर्तन है तो इसमें कुछ चिपकता नहीं है, तो आपको साफ करने में कोई परेशानी होनी होगी। आप इसको रीयूज के लिए जब यूज करेंगे तो एक बार सोप पानी से आप थोड़ा घुमा लेना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कैसे धोना है आपको, बस इतना करना है और आपको रख देना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं मुझे साफ करना है, तो आप क्या करना, स्पॉन्ज जो आता है ना, जो स्पॉन्ज कपड़े आता है, उसी से आप एक बार क्लीन कर सकते हो, ठीक है? तो इससे आपके बर्तन बिल्कुल खराब नहीं होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे और आपका कोटिंग बहुत लंबा चलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा इस बात। नंबर 3 पे ध्यान इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने तो ये सब बता दिया आपको कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको ऐसे बचाना है, लेकिन सच बताऊं, दिल से बताऊंगी, तो आपको ये चीज ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए एक्चुअली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और आपके हेल्थ को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और आप जितना कम हो सके ना इसको यूज कीजिएगा, इसकी जगह में आप ना जो प्योर आयरन के कढ़ाई होती है वो सब यूज करेंगे ना, वो बेस्ट बर्तन ना बेस्ट रहता है। और हाँ, जो आता है ना क्ले पॉट, जो आता है मिट्टी के बर्तन,
वो भी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है अपनी। तो अगर आपको मेरा टिप अच्छा लगा है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब इतनी बार्गेनिंग मम्मी कर रही है ना, बाद में वो बंदा ऐसे सर पकड़ कर बोलता है मैम आप बिजनेस वुमेन हो गए। मेरे को जब इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं क्या बताऊ, वो बंदा शौक, मम्मी ने इतनी अच्छे अच्छे हड़ाई कढ़ाई ढूंढ ढूंढ के निकाल लिए ना भाई, क्या बताऊ। बंदा ऐसे लागू पूछ रहे अब बिजनेस वुमेन होते था। मैं आपको बताती हूँ, वो बंदा ना पुराने बर्तन ले लिया उसने, ठीक है, तो उन्होंने ना मुझे पांच का, पहले दो का कॉम्बो दिखाया, उसका प्राइस बताया, फिर थ्री का कॉम्बो बताया, उसका प्राइस बताया, और फिर फाइव का कॉम्बो का बेनिफिट भी बताया कि क्या मिलेगा और क्या। तो मैंने ना, उन्होंने बोला कि आप कौन कौन सा लोगे चूज करो, ठीक है, तो मैंने ना जो भी बर्तन सेलेक्ट किया ना, उनके पास जो सबसे हाई रेंज के थे वही मैंने चूज किया, पसंद किया, और अच्छी क्वालिटी, तो अच्छी क्वालिटी की ले रही थी। और जो मेरे बर्तन थे ना वो ज्यादा खराब हो गए थे एक्चुअली, मैं यूज नहीं कर रही थी, रखा हुआ था, तो मैं बोली कि चलो मुझे ये दे दो। तो बंदा ना सोच, मतलब काफी टाइम तक उन्होंने मुझे आजमाया, देखा देखा कि शायद ये बेवकूफ बन जाएगी, मैं उसको देखकर कुछ हल्का फुल्का देखे जाऊंगा, लेकिन ना उन्होंने मुझे किसी भी हाल में, मतलब वो मुझे बुद्ध बना ही नहीं पाए। और आखिरकार मैंने अपने पसंद की चीज ली और अपने बजट में ही मैंने लिया। तो लास्ट में जाते वक्त में वो बंदा क्या बोल के जाता है कि मैम आप बिजनेस करते हो क्या। मुझे इतनी हंसी आई, अमन तो शॉक रह गया, अंकल आपको कैसे पता चला। बोले बिजनेस जो करते हैं ना, बिजनेस वुमेन का ना यही थिंकिंग होता है, उनका दिमाग माइंड बहुत चलता है। मम्मी ने जितनी मुड़े सब हार्ड ड्रेस का क्वालिटी आप देख के खुद ही बोल सकते हैं। तो फिर ना बंदा बोलता है ठीक है चलिए, आपकी खुशी के लिए मैं आपकी पसंद के हिसाब से जो आप रेट बोलोगे मैं देके जाऊंगा। और फिर बंदा ने ये दिया मुझे, मेरे पसंद की सारी चीजें दी और मुझे डिस्काउंट में ये भी दिया, गिफ्ट में ये भी दिया। और जाते टाइम अमन को मेरा फोन नंबर देकर गया कि आप अगर और कुछ करना लेना है देना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो करके फिर ये लेके गया, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। और हाँ, ब्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा है। और आप कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे प्लीज मैसेज में बताइएगा कमेंट करके। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सब अफेयर, बाय 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 गाइस।